हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम. तो द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी सप्लाई. ओके, तो मनी सप्लाई होता है क्या, राइट? तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि मटके में पानी है, तो ये पानी रखा गया है ना, तो उसको स्टॉक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टॉक. और ये है ना, नल खोल के रखा है, तो फिर कोई एक गिलास पानी पिएगा, दो गिलास, उसको सप्लाई बोलते हैं. तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है, जो नोट छाप के रखा है सेंट्रल बैंक ने, और नोट छाप के पब्लिक के पास आया, तो पब्लिक जितना हेल्ड करती है ना पैसा, जितना होल्ड करके रखी है, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं. तो मनी सप्लाई एक एसेट होता है. मनी इज़ फाइनेंशियल एसेट है ना, जो सब जगह पैसे से लेन देन होता है. तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी. क्या वर्ड आया? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल. किसके पास है? पब्लिक के पास है. काहे के लिए रखी है भाई? खर्चा करने के लिए. इन स्पेंडेबल फॉर्म. कौन से फॉर्म? स्पेंडेबल मतलब खर्चा करने के लिए फॉर्म. द मनी सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. जब भी कोई भी सरकार पॉलिसी बनाती है रिलेटेड इकोनॉमिक, तो मनी सप्लाई पे मद्देनजर रखता है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है. तो द टर्म मनी सप्लाई रेफर्स टू दिस टोटल स्टॉक. क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ डोमेस्टिक मतलब मीन्स ऑफ पेमेंट ओन बाय पब्लिक. जो पब्लिक पेमेंट करती है ना, जो घर पे रखा है सबके पैसा, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं. बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक. तो मनी सप्लाई मतलब जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के पास पैसा रखा है बैंक में, वो नहीं, जो पब्लिक के पास पैसा, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई. क्या बोलते हैं उसको? तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो ये टॉपिक लिखना पड़ेगा. तो इसमें दो टॉपिक कवर कर रहा हूँ. तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई में क्या क्या आता है? तो दो तरीका है, एक ट्रेडिशनल मेजर्स है और एक मॉडर्न है. ट्रेडिशनल मतलब पुराना, तो पुराना तो छोटा था, आज ब्रॉड मतलब बड़ा है. तो पुराने ज़माने में पैसा किस फॉर्म में, किस शक्ल में होता था? करेंसी नोट्स और कॉइन, सिक्का होता था और नोट्स होता था, और डिमांड डिपॉजिट मतलब जो बैंक के अंदर पैसा है ना, तेरा बैंक के अंदर पैसा है, तू जाके निकालेगा. तो तुम्हारे बैंक में 50,000 है, तुम बोला मुझे 10,000 दो, तो उसको बोलते डिमांड डिपॉजिट, बैंक मनी. तो पुराने ज़माने में ये फॉर्म में पैसा था, करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट. बट ड्यू टू चेंजेस, हेज टाइम चेंजेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई ऑल्सो चेंजेस. अभी कौन सा हो गया? ट्रेडिशनल से कौन सा हो गया? मॉडर्न. तो मॉडर्न में क्या आ गया? करेंसी नोट्स आ गया, मतलब नोट भी आ गया, सिक्का भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट भी आ गया मतलब बैंक मनी, और सेविंग डिपॉजिट क्या आ गया? जो पोस्ट ऑफिस में पब्लिक ने अकाउंट खोल के रखा है, सेविंग बैंक अकाउंट, वो भी पैसा आ जाएगा. टाइम डिपॉजिट मतलब FD बोलते हैं ना, जिसको एक साल, दो साल, पाँच साल की FD डालते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, बाद में पैसा निकाल लेंगे, वो भी इसका पार्ट हो गया. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट के पास पैसा जमा किया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, वो भी आ जाएगा. और क्रेडिट क्या आ जाएगा? जो उधार पैसा रखा है. तो ये सब आता है मॉडर्न मनी में. आता है क्या? आता है ये मॉडर्न मनी में. तो ट्रेडिशनल मनी में क्या आता था? करेंसी कॉइन्स. क्या आता था? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट. क्या आता था? तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल है उसका फॉर्मल लिखा है M1. क्या लिखा है? C+DD. C+DD करेंसी और डिमांड डिपॉजिट. करेंसी और एक ये याद करो M1. तो फिर इधर M2 दिया है. क्या दिया है? M2 में क्या गया? M1 आएगा और A और B आएगा. M1 मतलब ये पूरा आने वाला है ना, और A और B भी आएगा. A और BB. तो ऐसा करके तुमको ये फॉर्मला याद करना है. फिर M2 में, M3 में M2 भी आएगा और C आएगा, M4 में M3 भी आएगा और D आएगा. तो A B C D. तो अपने क्या टॉपिक कवर किया? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ये एक टॉपिक है. अभी एग्जाम में ने दूसरा भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, जो कंट्री में नोट छपता है, क्या बेस पे छपता है, मनी सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स क्या है. तो फिर ये आंसर आ गया ना, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन डाल देने का. तो मनी सप्लाई किस पे जमता है मालूम है क्या? किस पे टिकता है, क्या फैक्टर्स है? पहला है हाई पावर्ड मनी. क्या वर्ड है? हाई पावर्ड. तो ये टेक्निकल टाइम में समझाता हूँ. हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी. कौन सा मनी? रिजर्व मनी. एस RBI कॉल्स इट इज़ ए बेस ऑफ मनी सप्लाई. ये पूरा मनी सप्लाई का बेस है, नोट छापने का बेस है. तो इट इज़ देयरफॉर अ कॉल्ड बेस मनी. क्या बोलते हैं उसको? मतलब इतना पैसा तो रखना ही पड़ता है बैंक में. इतना पैसा तो, जैसे आपने कोई बैंक अकाउंट खोला तो 1,000 रुपया तो बैलेंस मिनिमम मेंटेन करना है ना, उसके ऊपर जितना मेरे का आप निकालते हैं तो वो 1,000 बेस मनी हो जाएगा. तो हायर पावर मनी इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक. क्या आ गया इसमें? करेंसी विद पब्लिक, कैश रिजर्व बैंक. क्या आ गया? अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक. मतलब सब पैसा आ गया इसमें. क्या आ गया? सब. समझा? करेंसी विद पब्लिक आ गया, रिजर्व बैंक का पैसा आ गया, और अदर डिपॉजिट आ गया. तो उसको बोलते हाई पावर मनी. क्या बोलते? नेक्स्ट है कम्युनिटी चॉइस. क्या है? कम्युनिटी का मतलब पब्लिक होता है, चॉइस मतलब उनका सिलेक्शन. तो पब्लिक कैसे सोचती है कि मैं पेमेंट रखूँ नहीं करूँ, कैश करूँ क्रेडिट करूँ? आ जाओ, कम्युनिटी चॉइस टू होल्ड कैश. अगर पब्लिक ने सोचा कि मैं कैश को होल्ड करूँ इन हैंड, इन रिलेशनशिप टू डिमांड ऑफ डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक ऑल्सो डिटरमाइन द मनी सप्लाई. मतलब पब्लिक कितना होल्ड करेगी कैश, उसके हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ता घटता है. अभी सुनो क्या बोला है.
इफ पीपल प्रिफर टू मेक पेमेंट बाय चेक, अगर पब्लिक ने क्या सोचा ये पेमेंट कैसे करेंगे चेक देन कैश, तो टोटल वॉल्यू ऑफ मनी मेंटेन बाय गिवन मॉनेटरी बेस विल बी हाई, तो फिर मॉनेटरी बेस क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, मॉनेटरी बेस क्या रहेगा मतलब अगर चेक से पेमेंट करेगी तो बैंक में पैसा रखना पड़ेगा ना, एंड वाइस वर्सा अगर चेक से नहीं करेगी तो बैंक में रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज एवरी डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, मतलब जितना बैंक में पैसा रहेगा उतना उधार बढ़ते रहेगा, उतना लेन देन बढ़ता रहेगा, अब बैंक का अंदर पैसा ही नहीं रहेगा तो क्रेडिट क्रिएट ही नहीं होगा, पैसा बढ़ेगा ही नहीं, तो बैंक के पास पैसा रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी अगर सोच रही कि चेक से करूँ तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, कैश करेगा तो मनी सप्लाई क्या आएगा कम होगा। नेक्स्ट दिला करेंसी सिस्टम, क्या दिला है तो द मनी सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय करेंसी सिस्टम, मनी सप्लाई किसके पे डिपेंड होता है करेंसी सिस्टम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे करेंसी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, द सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, गवर्नमेंट के पास क्या है ये मटके का नल का चाबी है, चालू भी कर मतलब रोक भी सकता है बढ़ा भी सकता है, तो वही बताया इधर, द सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द पार्शियल करेंसी नोट अडॉप्टेड बाय द कंट्री, मतलब कंट्री के पास चॉइस है 2000 के नोट को बंद कर दिया, 1000 के नोट को बंद कर दिया, 500 के नोट बढ़ा दिया, तो इस तरह मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मोनिटाइजेशन, क्या होती है एक होता है डी मोनिटाइजेशन, मतलब नोट छापना बंद कर देना, तो जब नोट छापना बंद हो जाएगा तो नोट का सप्लाई भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मोनिटाइजेशन उल्टा जितना नोट छापेंगे उतना सप्लाई बढ़ेगा, जितना मटका में पानी डालेंगे उतना सप्लाई होते रहेगा, तो उतना मनी सप्लाई बढ़ते रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंड ऑफ मॉनिटरी मोनिटाइजेशन। कैश रिजर्व, क्या दिया है इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कैश रिजर्व, मतलब कैश जमा करना, हर बैंक को किसके पास पैसा जमा करना पड़ता है RBI के पास, एवरी बैंक हैज टू कीप सर्टेन रिजर्व इन RBI, इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, RBI ने क्या बोला कि मुझे ज़्यादा कैश चाहिए, मुझे क्या चाहिए ज़्यादा कैश चाहिए, तो पब्लिक तो बैंक के पास कम फंड रहेगा, बैंक के पास तो पब्लिक को भी कम फंड मिलेगा, अगर RBI ने कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो पब्लिक के पास भी ज़्यादा पैसा रहेगा। वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो जितना पब्लिक के पास डेली पैसा आएगा तो उतना खर्चा भी डेली रहेगा, तो पैसे की स्पीड भी क्या रहेगी फास्ट रहेगी, पैसे की स्पीड भी क्या रहेगी, पब्लिक अगर पब्लिक के पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो स्पीड भी स्लो रहेगी, तो इसलिए वेलोसिटी भी स्लो हो जाएगा, राइट। और मॉनिटरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट रूल्स, मॉनिटरी पॉलिसी मतलब जो सेंट्रल बैंक मनी के ऊपर रूल्स बनाता है ना उसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, क्या बोलते हैं इसको, तो मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई, गवर्नमेंट क्या मनी सप्लाई पर रूल बनाता है, कौन सा नोट छापना, कौन सा बंद करना, कब मॉनिटाइज करना, डीमोनिटाइज करना, तो सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी सप्लाई, नोट को बढ़ाना और घटाना, एक्सपांड करना कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपांड मतलब बढ़ाना कॉन्ट्रैक्ट कम करना, ये किसके हाथ में होता है सेंट्रल बैंक के हाथ में। तो एक टॉपिक अच्छा खासा कवर कर दिया, क्या था मनी सप्लाई, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ लिए और क्या पढ़ लिया अपने डिटर्मिनेंट्स, तो एक आंसर कंफर्म एग्जाम में आता ही है, तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।